ये जो क्रूज दिख रही है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग आज शाम में जाने वाले हैं स्वीडन। विकिंग लाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रविचंद्रन। दोस्तों आज हमें एक मजेदार क्रूज में, और क्रूज का नजारा बाहर से कैसा होता है आपको दिखाता हूँ। चलिए, कुछ क्रूज ऐसी दिखती है यहाँ से, और आप सिटी भी देख सकते हो। और ये काफी बड़ा क्रूज है, वाइकिंग क्रूज करके नाम है इसका, काफी फेमस है। 10 फ्लोर का क्रूज है और उसके अंदर 700 से 800 रूम्स भी है। चलो अभी फोटो निकालते हैं, देखते हैं फोटो तो बनते हैं इतने अच्छी सीनिक जगहों पे। ये इमरजेंसी बोट से यहाँ पे लगाई है, जो कि काफी बड़ी क्रूज में हमेशा होती है, और काफी बेहतरीन नजारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। वो जो ऊपर में दिख रहा है वो है कैप्टन का कैबिन। अब क्रूज पे आप होते हो ना, आप क्या देखते हो, ये देखते हैं, देखो ये देखते हो आप, ये सारी जगह देखते हैं। वहाँ पे देखिए एक ब्यूटीफुल सा एक व्यू है, थोड़ा थोड़ा जूम करते हैं उसको। जूम आउट करते हैं अभी। जो आ चुके हैं दोस्तों, अभी टॉप फ्लोर पे है, ये है टॉप फ्लोर क्रूज का। यहाँ मानसी मेरे साथ में है। क्या बात है, क्या बात है, प्यार चल रहा है कैमरा फोटो के थ्रू। नीचे जाते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है नीचे। अभी मस्त डिनर कर रहे हैं, अभी भी सनसेट नहीं हुआ है, और जो टाइम है वो है 8:30। देखो आप इसका मजा लो, टाइम लैप्स का हम तब तक खाना खाते हैं। अभी पहुंचे स्टॉकहोम, स्वीडन का जो कैपिटल है। काफ़ी मज़ेदार ट्रिप रहने वाली है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्वीडन सिटी है। एक 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे अभी भी क्रूज में। क्रूज में काफ़ी मज़ा आया था कल रात में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, काफ़ी मज़ेदार ट्रिप था वो। अभी दिखाऊँगा आपको स्वीडन सिटी क्या क्या है। स्वीडन सिटी में देखते आगे। ये स्वीडन सिटी है, आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट बोट पे आए हैं। अभी दोस्तों निकलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जो बोट है वो पार्क हो गई है। तो निकलते हैं, मिलते हैं सिटी में। ग्रीन गार्डन, ब्यूटीफुल लोकेशन, दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली। You can eat for me.
allowed to go into work because they were blocked from outside. स्टॉकहोम में आपका स्वागत है. फिनलैंड जाके आए, फिनलैंड में काफ़ी ठंडी थी, यहाँ आने के बाद में काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है. और आप देख सकते हो जैकेट भी नहीं पहना. जो है हमारे राजा लोगों का बर्थडे है, तो जो स्वीडन के राजा है उनका बर्थडे है, उन्होंने आज हमें इन्विटेशन नहीं भेजा है, तो भी हम यहाँ पर आए हैं और आके थोड़ी शोभा बढ़ा रहे हैं हम लोग स्वीडन की. मोंटी पा जी तो बोलते हैं वाह क्या जगह है, सुपर सुपर. क्लाइमेट भी बहुत अच्छा. अभी देखते हैं एक एक चीजें और क्या क्या है बताने. हाँ. जैसे आपको बताते हैं. हाँ. है ना, हमने करा ना आज पास ना. तो दोस्तों अभी जो देखा आपने दैट वॉज चेंज ऑफ गार्ड. तो जो गार्ड चेंज हुए वहाँ पे वो एक प्रोसेस था. और ये जो है परेड है, आज जो किंग है यहाँ का उसका बर्थडे है. सो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा धमाकेदार पार्टी होने वाला है, डीजे पार्टी. और हम जा रहे हैं केक काटने तो के लिए. हमको इन्वाइट नहीं किया उसने, लेकिन ठीक है, तो भी हम लोग बिना इन्विटेशन के मेहमान बन के आ रहे हैं उनके सिटी में. और मोंटी पाजी है साथ में. मोंटी पाजी भी एक थोड़ा बोल रहे कि यार जाना तो चाहिए ना, तो बुरा लग जाएगा किंग को. In the Baltic area there is some tension. Have you? Mr. Putin is on our neck. So, have you? मैं दोस्तों एक साल का लाइफ आपको देना होता है आर्मी के लिए. You have to serve army for one year. One year. So, उसका रीजन ये है कि हमारे पुतिन भैया जो है रशिया वाले बहुत तकलीफ देते हैं यहाँ पे बाल्टिक सी में. क्या बोलना है पुतिन भैया का भक्ति है. इट्स गुड ना दैट यू शुड सर्व टू द आर्मी. हमारी भाभी बोलती है इंडिया में भी कंपलसरी होना चाहिए. क्या भाभी सही बात है ना, इंडिया में भी कंपलसरी होना क्यों होना चाहिए. पीपल हैव टाइम टू फाइट बट दे डोंट हैव टाइम टू सर्व द कंट्री. साला राजनीति में दंगे करने के लिए टाइम है, फालतू यू नो बच्चोदी करने के लिए टाइम है, लेकिन कंट्री को कंट्री के लिए सर्व नहीं करेंगे. ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टैचू है उसके सर पे हाथ घुमाने से आप वापस स्वीडन में आते हैं. तो आ रहा हो तू घुमा ले बेटा, मेरे को नहीं आना है स्वीडन वापस. बहुत बहुत कंट्री घूमने के लिए बाकी है हमारी यूरोप में, हमको स्वीडन नहीं आना है वापस. हाँ ये तो भैया दूसरी बार आए, जिनको जिनको इंटरेस्ट है वो लगा लो, वापस आना पड़ेगा. आप भाभी लगा लो, आप आ जाओ वापस. अच्छा टपली पे मारने से ना यहाँ के डायरेक्ट सिटीजनशिप मिलती है. टपली में मार दो डायरेक्ट सिटीजनशिप. तो अभी सोच रहा हूँ ना एक पुतला लगा दो इंडिया में, बोलू यहाँ पे 10 रुपए डालो हाथ घुमा वापस आएंगे, करोड़पति बन जाएंगे हम लोग यार. ठीक है चलता है. अभी घूम रहे हैं स्वीडन की गलियों में. पानी एक साथ रहेंगे ना तो दे विल हैव हैप्पी मैरिड लाइफ. झूठा करने से बीमारियां फैलती है. एक के बाद एक पानी पीने से दूसरा वाला जो रहता है ना इसकी बीमारियां उसमें चली जाती है. एक्चुअली लोग ज़्यादा घूमते हैं और ये टैप वाटर है वो पीने से आपको जो प्यास है वो चली जाती है, बाकी कुछ नहीं है, प्यास चली जाती है. ये जो है ना ये पानी वाला सिस्टम आपको दिख रहा है, पहले वो जो अपने यहाँ पे पता है हैंडपम्प होते हैं, तो हैंडपम्प जैसा वो था, अभी इसको ऑटोमेटिक बना दिया, एक मोटर वोटर लगा के अंदर से ये ऑटोमेटिकली पानी गिरते रहता है, ये वापस जाते रहता है. पहले हैंडपंप था बट सनी देओल आया वो सब हैंडपंप तोड़ के चला गया. सनी हमारे सनी देओल भैया आके लेके गए. तो अभी ये बोलते हैं भैया अभी सनी भैया जो नहीं उड़ा सकते वो लगाओ. राजा का बर्थडे है, राजा जी का बर्थडे के लिए सब सेलिब्रेशन हो रहा है. ये बर्थडे सेलिब्रेशन, सो दे हैव अ बैंड, दे हैव अ डीजे. सो डीजे दे हैव इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, उसका नाम है चलो चले ये है वो ये डीजे गोविन इन द हाउस. टू नंबर प्लेट स्टैंड्स फॉर डिप्लोमेट, सो दैट्स अ डिप्लोमेट कार. सो हिज नेम इज केविन एंड गोविन. ओह यस, सो वी कॉल इट डीजे किक, डीजे केविन. ओह यस, एंड
गोविंद भैया लवली सी यू ब्यूटीफुल वाह रसम का स्मेल आ गया डोसा का स्मेल आ गया आप अपनी दबा दबा के खाओ ये डोसा है और ये है समार है क्या बात है बहुत दिनों के बाद में भूखे शेर आ गए हैं भूखे शेर आ गए खाना खाते मिलते हैं बाद में सरवना भवन वर्ल्ड नंबर वन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ये सारी कंट्री में अवेलेबल है पॉज करके देख लीजिए गोयल जी खाना कैसा लगा बहुत बढ़िया एक नंबर की बहुत बढ़िया 100% बहुत बढ़िया सैटिस्फाइड 100% सैटिस्फाइड चलो खाना कैसा था पाजी एक नंबर सबसे ज्यादा ओवररेटिंग हुई है भाई साहब तो दो ये टूर की सबसे ज्यादा ओवररेटिंग हुई है अब जाके वर्कआउट करना पड़ेगा क्या है ना अनलिमिटेड खाना था तो दबा के खाया सब लोगों ने निकलते हैं हमारी घर की ओर सो दोस्तों वेलकम टू शेरेटन होटल तो आज हम रुके हैं शेरेटन होटल स्टॉकहोम में काफी मस्त मजेदार रूम है दो डबल बेड है एक पे आराव सोएगा एक पे मैं और मानसी काफी अच्छा रूम है स्पेशियस रूम है का व्यू है देखते हैं क्या है आपको दिखाता हूँ ये जो है होटल का ही व्यू है ठीक है चलेगा चलता है लेकिन द रूम इज बेटर कंपेयर टू अदर होटल्स लोकेशन है ये होटल का ये काफ़ी नज़दीक है सिटी सेंटर से सो वी कैन डू लॉट ऑफ फन वी कैन जस्ट वॉक अराउंड द सिटी तो अभी दोस्तों रेडी होते हैं जाते आइकिया के लिए दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आइकिया आपको तो पता ही रहेगा आइकिया क्या है आइकिया एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ काफ़ी फर्नीचर और घर का कुछ सामान वगैरह अच्छे क्वालिटी का वहाँ मिलता है तो वो जो कंपनी है वो स्वीडन की कंपनी है स्वीडिश की बॉर्न कंपनी है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में है इवन इंडिया में हैदराबाद में उन्होंने एक ऑफिस डाला है तो उन्होंने फ्री बस सर्विस रखी है यूजुअली जो भी आइकिया के स्टोर्स होते हैं वो आउट ऑफ सिटी होते हैं दोस्तों यूजुअली उनकी शटल सर्विसेज होती है तो हम लोग उनके शटल सर्विसेज में जा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है देखते हैं कैसा स्टोर है आपको बताता हूँ दोस्तों बताना चाहूँगा एक बड़ा पोपट हो चुका है ये क्लोज जो है ये देखो ये जो स्टोर है ये हो चुका है क्लोज तो आज का जो टाइमिंग था क्लोजिंग का वो था 6 बजे का यूजुअली 8 बजे तक रहता है तो हम लोग ये सोच के आए थे कि आज हमारा काम हो जाएगा लेकिन ये आज निकला क्लोज कोई बात नहीं मानसी कल आएगी यहाँ से शॉपिंग ज़रूर होगा और ज़रूर खुशी आएगी नहीं होगा तो दोस्तों क्या करें डर के आगे जीत है और हार के आगे जीत है और अपना भी टाइम आएगा मानसी का भी टाइम आएगा अपना टाइम आएगा तुरंगा ही तो आएगा क्या घंटा लेके जाएगा क्योंकि अपना टाइम आएगा तो हमारी बस वैसी भी खड़ी है तो देखते हैं दौड़ते हैं मिल जाए तो नसीब फटाफट भागो तो ये जो है ये आइकिया की बस है हाँ अभी पहुँचे थे आइकिया और वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि आइकिया क्लोज है हाँ। तो ये जो ब्रिज था अभी खुल गया था तो यहाँ से जब बोट आती है बड़ी तो ये ब्रिज खोल देते हैं same bridge is there in London. We've just been to IKEA. ये IKEA का बस है और बस IKEA हो गया है क्लोज तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं अभी जा रहे हैं होटल वापस That's our nice cars here. स्ट्रीट भी काफ़ी अच्छा है वेदर काफ़ी प्लेजेंट है ज़्यादा ठंडी नहीं है कम्पेयर टू हेलसिंकी प्रॉपर सिटी लाइक अभी तक 3 गांव खेड़े में घूम के आए थे है ना This is city. Like London. साइकिलिंग यहाँ पे काफी लोग यूज करते हैं काफी फिट रहते हैं लोग ये रेडिसन ब्लू होटल और वहाँ पे जो है सेंट्रल स्टेशन काफी एक अच्छा सिस्टम है देखो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट लगा है
जेब्रा क्रॉसिंग आप चलते रहो, और ये देखो ये यहाँ पे आके रोड पे खड़े हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे राजा जी का बर्थडे है, किंग साहब का, यहाँ पे तो उसकी वजह से जल्दी आइकिया क्लोज हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया वगैरह पे डाला था, हमारी गलती थी, हमने चेक नहीं किया, लेकिन अपन आज पहला ही दिन आया है तो कैसा कोई जाके चेक करेगा। ओपनिंग टाइमिंग क्लोजिंग टाइमिंग लिखा था उसका, बस वाले ने भी कुछ बताया नहीं जब हम बस में चढ़े तभी। कोई दिक्कत नहीं, सिटी घूम ली, मज़ा कर लिया। ब्रिज ऊपर हुआ, हाँ एक ब्रिज ऊपर हुआ दोस्तों, वो देखने नहीं मिला, पूरा क्लियर कट शॉट नहीं हुआ क्योंकि मानसी स्विच ऑन करना भूल गई थी उसको। टी सेंट्रल स्टॉकहोम सिटी क्या अभी सब, हाँ। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और जो भी पहला आइसक्रीम का दुकान दिखेगा वहाँ पे पार्टी हमारे तरफ से, बिग वन। सो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी सिटी टूर पे, गलियों में घूमने के लिए, गलियों में घूम रहे हैं स्टॉकहोम के लोगों के साथ में है ये सब लोग। हैप्पी बर्थडे मनाने जा रहे हैं हम किंग का 73rd हैप्पी बर्थडे मनाने जा रहे हैं। एक नजारा है ये आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो देखो देखो, हमारे बॉबी भैया भी आपको दिखेंगे ये फ्रेम में। ये देखो इज टुडेज किंग्स बर्थडे। व्हाट किंग्स बर्थडे, किंग फेलस, आई थिंक इट्स देयर द बिग, या हिज बर्थडे टुडे, इज नॉट देयर, हिज बर्थडे टुडे, आई डोंट नो, 73rd, yeah he, yeah, his birthday, yeah, his birthday, yeah 74 I think, so everyone is enjoying, yeah the Swedish flag is open, so yeah. Oh thank you yeah. very much yeah thank you kya behtareen galiya hai dekho kisne identify ki ye galiya, follower of, we are follower of Kwik Fix India, no technical guru, Kwik Fix India ko bada karenge hum, to like kijiye, subscribe kijiye aur share kijiye, Kwik Fix India ko share kijiye, ye chalu hai start hai, chaliye hum log ghum rahe hain Stockholm ki galiyon mein, बहुत मजा आ रहा है। ढूंढ रहे हैं जिलेटो को, लेकिन बंद दुकानें देख के हम थोड़े से मायूस हो रहे हैं। दुकानें बंद हो चुकी है, लेकिन बोलते हैं ना प्रयत्नांति परमेश्वर, और हमको मिल जाएगा, डोंट वरी सब्सक्राइबर्स हमको आइसक्रीम मिल जाएगा, बार खुला है, अंदर लोग बैठे हुए हैं, वैसे ही आइसक्रीम भी खुला होगा, डोंट यू वरी गाइस, वी विल ईट आइसक्रीम फॉर श्योर, जिलेटो आइसक्रीम। नहीं, हम लोग कहते हैं देवी और सज्जनों, देवियों की देवी तो इधर है, मैजिक को मैं बगल में लेके घूमती हूँ, राइट, ना सिंग इज किंग तो मेरा किंग यही है ना, ये किंग है उनके, क्या बता रही कहाँ है, तो मैंने कहा सिंग इज किंग, इसलिए वो मेरा राजा तो यही है ना, ये है क्या बात है, बोलते ना हमारे लैंग्वेज में बहुत हार्ड। दोस्तों ये हमारा होटल है शेरेडन, हमारे दिलदीप भैया अभी कैटवॉक करने वाले हैं, येड़ा सर का वागत है रेहा, असो नसतो ते कैटवॉक असतो ते। दोस्तों आज की नाइट होती है यहाँ पे खत्म, हम लोग आ चुके हैं होटल के अंदर, अभी मिलते हैं आपसे कल। आज का दिन बहुत अच्छा था, आपने देखा ही है, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन, थैंक यू।